मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है, लाइक टू एनहांस माई ब्रेस्ट। कुछ लेडीज़ होती हैं जो इम्प्लांट करवाने के बाद भी ये चाहती हैं कि दे नीड समथिंग मोर, तो वो रिप्लेस करवाती हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं, आप अगर फोटोग्राफ्स देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये बेचारी लड़की कैसे रह रही थी इतने हैवी ब्रेस्ट के साथ। इस चीज़ को जिसको सिलिकॉन इम्प्लांट बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट के अंदर एक पॉकेट बना के अंदर प्लेस करते हैं। माय बॉडी माय चॉइस। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी आजकल लड़कियां इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रही हैं और उनके अलग अलग रीजंस हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसे किया कैसे जाता है। ये समझने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में डॉक्टर से बात करेंगे और समझेंगे इस पूरी प्रोसेस के बारे में। सर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी क्या है। ये मतलब अगर कोई आम लोग जो है उन्हें नहीं पता, उन्हें अगर आप कुछ सिंपल शब्दों में समझाएं। सो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके ब्रेस्ट के साइज स्मॉल होते हैं और वो हमेशा पैडेड ब्रा से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सिंपल ऑपरेशन है। अराउंड 25 से 30 मिनट्स में हम लोग इस चीज़ को जिसको सिलिकॉन इम्प्लांट बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट के अंदर एक पॉकेट बना के अंदर प्लेस करते हैं एंड इमीडिएटली एंड लाइफ लॉन्ग वो ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है। इम्प्लांट्स अलग अलग टाइप के आते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, बट विद इन 30 मिनट्स जो लेडी लाइफ लॉन्ग पैडेड ब्रास पहन के अपने ब्रेस्ट को बढ़ा रही थी, इस सर्जरी से वो अपने ब्रेस्ट को एनलार्ज कर सकती है। सर, अगर मैं इसे उठाऊँ सर, ये जो मटेरियल की बात करें, इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया गया है? और आमतौर पे ऐसा भी रिपोर्ट्स आती हैं कि कई बार ये ब्लास्ट मतलब फट जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा एब्सोल्युटली राइट। सो बहुत सारे मिथ्स हैं रिगार्डिंग दीज इम्प्लांट्स एंड उन मिथ्स को तोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है। ये सिलिकॉन इम्प्लांट है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका सिलिकॉन शेल जो कि कवर होता है और उसके अंदर जेल होता है जो सिलिकॉन से बना है, और इसका जो ये शेल है ये 2 लेयर ऑफ सिलिकॉन होता है। इसको मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन बोलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। सो एक बार जब ब्रेस्ट के अंदर इसको प्लेस कर देते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग वहीं रहता है और बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये बॉडी से बिल्कुल एक तरह से मिल जाता है एंड कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब जहाँ पे बात आती है कि मिथ्स की, इसके अराउंड बहुत सारे मिथ हैं। वन के ये 10 साल में बदलना है या बहुत जल्दी इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो जो ब्रांडेड अप्रूव्ड इम्प्लांट्स हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली चाइना से कुछ इम्प्लांट्स आते हैं जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम वारंटी नहीं देते हैं। सो प्लीज़ एज अ पेशेंट अगर कोई कराना चाहते हैं तो वो उससे बिवेयर रहें। सेकेंडली मिथ होता है कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं कि नहीं। 100% ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बाद। क्या ये इम्प्लांट बर्स्ट हो सकता है या किसी टाइम लीक हो सकता है, तो उसका आपके सामने मैं उसका प्रूफ दिखाता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए, इस इम्प्लांट को मैं पूरा आपके सामने पूरा मोड़ रहा हूँ। ये देखिए, पूरा मैंने जितना आप चाहें मोड़ लीजिए, इस इम्प्लांट को कुछ नहीं होगा। आप इम्प्लांट्स के ऊपर अपनी स्टिलेटोज लेके चल लीजिए, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये एक इम्प्लांट है, इस इम्प्लांट के ऊपर से मैंने अपनी गाड़ी चलाई हुई है। सो इतना पावरफुल होते हैं इम्प्लांट्स, इनको कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पर ये इम्प्लांट्स रखे हैं, तो ये सभी सिलिकॉन के ही हैं या अलग अलग होते हैं? इसमें भी आगे वैरायटी होती है। सो सिलिकॉन के ही इम्प्लांट्स आज के दिन अप्रूव्ड होते हैं। उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोर्स आते हैं, बट मेनली जो डिफरेंस आता है वो आता है उसके साइजिंग के ऊपर। कुछ इम्प्लांट्स बहुत हाई प्रोजेक्शन मतलब बहुत ऊंचे होते हैं। सो अगर कोई पेशेंट है जिनका बॉडी साइज छोटा है लेकिन एनलार्जमेंट ज़्यादा चाहिए, तो उनमें वो वाले टॉल इम्प्लांट्स को यूज़ करते हैं। उनको अल्ट्रा हाई प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब उनका प्रोफाइल जो प्रोजेक्शन है। ऐसे ही इम्प्लांट्स आते हैं जो कि मीडियम एंड हाई प्रोफाइल आते हैं। सपोज किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, नॉर्मल हाउसवाइफ उनको अपने लिए एनलार्जमेंट करानी है, तो उस हिसाब से हम फिर लोअर प्रोजेक्शन के इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। बट आपका सवाल ब्रॉडली सारे इम्प्लांट्स सिलिकॉन के ही होते हैं। अच्छा, और इसमें साइज अलग अलग आता है? साइज अलग अलग आते हैं, प्रोजेक्शन अलग। साइज 140 या 150 से लेके इवन 1 kg तक के इम्प्लांट्स आते हैं। कन्वेंशनली इंडिया में अप टू अबाउट 600 cc तक के आते हैं, एंड देन अलग अलग प्रोजेक्शंस होती हैं उनकी। सो बहुत सारी वेरिएशंस है हमारे पास। सर, जैसे कि जब मैं आपसे ये सुन रही हूँ कि इसे मतलब इंसर्ट कर दिया जाता है, तो विजुअली ये समझना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि इसके लायक वो स्पेस कैसे बनाई जाती है कि ब्रेस्ट को आप कट करें, फिर उसके अंदर आप इंसर्ट करें। आई थिंक वो आपको वीडियोस देख के ही समझ में आएगी, बट अगर मैं उसको समझा पाऊँ। सो ब्रेस्ट में बहुत स्पेस होती है, स्किन, ब्रेस्ट टिश्यू और नीचे मसल होती है। जो ब्रेस्ट टिश्यू और मसल के बीच में हम लोग स्पेस बनाते हैं, वो एक पोटेंशियल स्पेस है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब कि जैसे आपने कहा कि एक्चुअली नहीं नजर आएगी, लेकिन जैसे ही हम उस एरिया को डिवाइड करते हैं, ब्रेस्ट एकदम ऊपर उठ जाता है। सो डिपेंडिंग कि कितना ब्रेस्ट टिश्यू उठ जाता है, उस साइज का इम्प्लांट हम यूज कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट स्किन बहुत टाइट है तो छोटा इम्प्लांट जाता है। अगर ब्रेस्ट स्किन लूज है, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी हो जाता है कि थोड़ी सी स्किन सैगिंग है, तो ऐसे में हम बड़ा इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। तो मतलब जब आप कट लगाते हैं तो वो और ऊपर हो जाता है और स्पेस बन जाती है जिसमें फिर इंसर्ट कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो सर, जैसे इसकी कुछ एक एज है कि इस एज के बाद ही करवा सकते हैं या इस एज तक करवा सकते हैं? सो हम लोग 18 से कम में किसी पेशेंट को सर्जरी नहीं एडवाइज करते, बिकॉज ब्रेस्ट डेवलप कर रहा होता है अराउंड 17-18 ईयर्स तक। उसके बाद एज अ एडल्ट आप कंसेंट भी दे सकते हैं सर्जरी की, एंड लीगली भी अलाउड है उसके आगे करना। सो 18 के बियॉन्ड हम कभी भी कर सकते हैं। नाउ, क्या इसकी अपर लिमिट है एज की? नॉट रियली। इनफैक्ट आप हैरान होंगे सुन के, जो मेरे ओल्डेस्ट पेशेंट है जिनका ब्रेस्ट इम्प्लांट हुआ है, वो 74 ईयर्स की हैं। 74। सो एट एनी पॉइंट आपको अपनी बॉडी इमेज को इम्प्रूव करना है तो आप ब्रेस्ट इम्प्लांट कर सकते हैं। सर, कई ऐसे हमने केसेस मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ते रहते हैं, कुछ स्टडीज भी हैं उसमें ये बताते हैं कि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो बॉडी पे नेगेटिव होता है। जो बॉल्स हैं वो या तो फट जाती हैं या पेन होने लगता है, हार्ड होने लगता है। तो ये सारी मिथ है, ये सारी मिथ है। पेन, बर्स्टिंग, ये सब कुछ भी नहीं होता है, एंड बॉडी के लिए कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट इम्प्लांट्स की वजह से कभी भी नहीं होता। अच्छा, मतलब कई ऐसी कुछ केसेस हमने नेट पे पढ़े थे। कुछ एक्ट्रेसेस थी बाहर की, उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि उन्होंने ये सर्जरी करवाई लेकिन ये फट गया, उसके बाद फिर उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हो गई। नॉट रियली। सो मैं नहीं मानता इस बात को कि ये इम्प्लांट्स, एक्चुअली मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये इम्प्लांट को आप कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं फट सकते हैं। नाउ, ये हो सकता है कि इम्प्लांट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज रहा हो कभी किसी पेशेंट के साथ, सो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट जनरली कोई भी प्लास्टिक सर्जन किसी पेशेंट के लिए कोई इन्फीरियर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा। सो ऑलवेज जो अप्रूव्ड इम्प्लांट्स हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ इम्प्लांट्स आते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और वो वारंटीज़ नहीं देते हैं। सो एज अ पेशेंट, एज अ पोटेंशियल पेशेंट, आपको अवेयर होना चाहिए कि कौन से इम्प्लांट्स अप्रूव्ड हैं, वारंटी के साथ आते हैं, कौन से नहीं आते इम्प्लांट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर्स, अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि क्या ये इम्प्लांट वारंटी दे रहा है, क्या ये अप्रूव्ड इम्प्लांट है। वर्ल्ड में 2 अप्रूवल्स होती हैं, एक होता है US FDA अप्रूवल और एक होती है EU अप्रूवल, उसमें CE मार्क लिखा होता है। सो आप हमेशा अपने इम्प्लांट बॉक्स में सर्जरी से पहले या तो US FDA अप्रूवल उसको रीड कीजिए, या फिर CE मार्क जो कि यूरोपियन यूनियन से अप्रूव्ड होते हैं। सो ये दोनों इम्प्लांट्स आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आपके इम्प्लांट में इन दोनों की अप्रूवल्स नहीं है, तो फिर मेरी सजेशन है कि प्लीज़ वो सर्जरी मत कीजिए। अदरवाइज इम्प्लांट्स आपकी बॉडी में एक बार चले जाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दे आर 100% सेफ। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। हैवीनेस, इसका जो एक वेट है, ये इम्प्लांट करने के बाद एक भारीपन नहीं आपको फील होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। सर्जरी के बाद जो स्टिचेस वगैरह होते हैं उस टाइम आपको लगता है, फिर धीरे 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 वो आपके जो बॉडी में वो ऐसे सेटल हो जाता है कि आपको फील ही नहीं होता। तो मुझे 6 मंथ्स हो गए अभी, मेरे लिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता वेट है, लेकिन हाँ पोस्ट सर्जरी जो थोड़ी सी नर्व्स वगैरह जो खिंचती है हल्की फुल्की वो होती है, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं ये मेडिसिन ले लो, जो हीलिंग का आपका और प्लस आपका लाइफस्टाइल क्या है वो भी मेन डिपेंड करता है आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए। तो मुझे 1-1.5 महीने में मुझे मतलब मेरा पेन ख़त्म हो गया था। जैसे कि हम अपने भाई के लिए अगर हम ब्राइड देखने गए थे तो जो हमारे रिलेटिव्स थे उन्होंने ये कहा कि लड़की बहुत ज़्यादा मतलब स्किनी थी, तो ये तो फ्लैट है पूरी, इसको तो कुछ है नहीं, तो मतलब कैसे लगेगी ये ब्राइडल में फला ढीना। तो मैंने कहा देखो ये तो उसकी गलती तो है नहीं, प्लस वो उसका फिजिक है, प्लस वो चीज़ों में मेरी ऑलरेडी जो कज़िन्स है वो भी सारी स्किनी थी, मैं बहुत स्किनी थी। तो जो शादी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बाद तो फिजिक आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत चेंज हो ही जाती है। तो चीज़ें मैं ये देखती हूँ कि वुमेंस ही वुमेंस को ये ताने मारती है कि ये फ्लैट है या ये इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है और ये तो ऐसी हो रही है, मतलब बॉडी शेमिंग को लेके मतलब बहुत अजीब अजीब उनके कमेंट्स होते हैं। फ्लैट है, हाँ छाती फ्लैट है इसकी, तो मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, क्या ये लगेगी दुल्हन जैसी, या ये शादी के बाद मतलब क्या प्रोसेस रहेगा। और मैंने लोगों को देखा भी है इस रीज़न से वुमेंस को छोड़ते हुए, डिवोर्स भी हुए हैं यही वजह को लेके। तो डिवोर्स की तो कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये तो बेचारी के हाथ में तो था ही नहीं। प्लस अगर ये चीज़ें अगर ऐसी है और लोगों को इश्यू हो रहा है तो वाई यू डोंट गो फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट। आई थिंक ये अभी तक की सारी डिस्कशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सिर्फ वीआईपीज़ कराते हैं, क्या सिर्फ सेलिब्रिटीज़ कराते हैं? आप हैरान हो जाएंगे सुन के, हमारे 95% पेशेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं एंड वो नॉर्मल लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, मैरिड लेडीज़ होती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हाई इनकम ग्रुप से हों। बहुत सारे पेशेंट्स इनफैक्ट लोन लेके सर्जरी कराते हैं, लोन लेके सर्जरी कराते हैं। क्या रीजन होता है इसके पीछे? उनका अपना कॉन्फिडेंस। सो वो आज के दिन मोर देन बिफोर, बिकॉज सोशल मीडिया पे इतनी नॉलेज अवेलेबल है, हर तरीके की आइडियल बॉडीज दिखती हैं। हम सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम ऑन करते हैं और एक बेस्ट से बेस्ट बॉडीज को देखते हैं। सो वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है बहुत सारे लोगों में। पहले से भी थी इनसिक्योरिटीज बट अब वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, पहले इंडिया में जनरली जो क्लोथिंग होती थी वो बहुत ट्रेडिशनल सलवार कमीज और साड़ियाँ होती थी, उसमें बहुत, क्योंकि उनमें कपड़ों में एक कप बना होता था ऑलरेडी, तो इसलिए ब्रेस्ट साइज को ज़्यादा नोट नहीं किया जाता था। अब क्लोथिंग मोर वेस्टर्न होनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में ब्रेस्ट साइज को विजुअलाइज किया जा सकता है। पेशेंट अपने आप में अनकम्फर्टेबल रहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहती है। अपने पीयर ग्रुप में उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपके ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपके छोटे ब्रेस्ट हैं। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में, स्विमिंग में, हर चीज़ में पेशेंट कॉन्शियस होने शुरू हो गए हैं कि बाकी सबके ब्रेस्ट अच्छे हैं, मेरे ब्रेस्ट छोटे क्यों हैं। सो अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सारी हर तरीके का हर एस्पेक्ट उनको हिट करता है और वो ग्रेजुअली अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना होता है? सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, इट डिपेंड्स ऑन के कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत प्लास्टिक सर्जन्स भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो फ्रेश कॉलेज से अपनी डिग्रीज करके आए हैं, कुछ हैं जो 20-25 साल के एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं इंडिया की एक फिगर आपको बताऊँ तो एनीथिंग फ्रॉम 1 लाख to 3 lakhs डिपेंड करता है किस तरह का इम्प्लांट है। सो ये एक एवरेज एक्सपेंस आता है, कहीं इस रेंज के बीच में ही बैठता है। अगर 1 लाख से कम में सर्जरी हो रही है तो यकीन मानिए वो इम्प्लांट ठीक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उससे कम में होनी। अच्छा, तो ये जो आपने बताया 1 से 3 लाख के बीच में होता है, तो ये साइज पे डिपेंड करता है कि कितना? साइज पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जितना बड़ा इम्प्लांट होगा उसकी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज होती जाती है। देन उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेक्सचराइज उसके सरफेस पे डिपेंड करता है। लास्टली एक इम्प्लांट होता है टीयर ड्रॉप इम्प्लांट, उसकी शेप मोस्ट नेचुरल होती है ब्रेस्ट की, वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। जब आप आउटफिट पहनते हैं तो यू नो इंडियन सोसाइटीज़ में वुमेन्स एक दूसरे को कमेंट्स तो पास करती है, वो तो होता ही है, वो कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता कि हम नहीं करते हैं। जिसके बॉडी शेमिंग, देखो चीज़ ऐसी है ना जो हमारे हाथ में नहीं है, मैं जब मेडिसिन पे स्टेरॉइड्स पे थी, मैंने 90+ भी हो गई थी, फिर मैंने अपने आप को मतलब पुल आउट किया, उस तरीके से एक्सरसाइज किया, मेडिसिन छोड़ी, अपने आप को इतना मजबूत किया कि ताकि मेरे स्टेरॉइड्स छूट सके और मैं अपने वापस वेट पे आ सकूं। मैंने वापस 55 अपना गेन किया। और रहा सवाल बॉडी फीचर्स के लिए, तो वही होता थे ताने कि यू डोंट हैव गुड फिजिक, ऐसा है वैसा है, आप साड़ी में पहन नहीं सकते, आप कंफर्टेबल नहीं लगते हो। तो चीज़ें ऐसी होती है कि आपको वहाँ पे ना थोड़ी सी शर्म आती है कि यार हमारे साथ ऐसे क्यों। जब आप लोगों को देखते हो कि मतलब लोग साड़ी में कितनी ब्यूटीफुल लगते हैं, साड़ी में एक जो एक ब्लाउज़ का रोल होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो तब मुझे लगा कि अगर दुनिया में चीज़ें ऐसी हैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। ये मेरा अपनी लाइफ का सबसे सेकेंड बोल्ड डिसीजन था।